दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में। अभी मैं हूँ मेरे घर पे, आपने देखा ही होगा। और मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो पिछला व्लॉग है वो काफ़ी अच्छा चला है, काफ़ी लोगों को पसंद आया, इसके लिए धन्यवाद। एक्चुअली मैं ये व्लॉग को बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मैं लास्ट वीक एक गुजरात का बंदा है उसके साथ सेशन ले रहा था और उसने मुझे आइडिया दिया, भाई आप तो पॉजिटिव चीज़ें सब बताए हो लेकिन नेगेटिव चीज़ें तो बताओ ताकि मैं डिसीजन ले सकूँ। तो थैंक यू भाई आइडिया देने के लिए। आज का वीडियो में मैं आपको आइलैंड के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है ना वो आपके सामने रखूंगा, जिसके मदद से आप अपना डिसीजन इजीली ले सकते हैं कि आपको आइलैंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये व्लॉग में सारी नेगेटिव बातें होंगी, कोई पॉजिटिव पॉइंट्स मैं नहीं रखने वाला हूँ। पहुंच गया हूं मैं बाहर, अभी आपको लेके चलूंगा थोड़ा आगे। ठंड काफी हो गई है आजकल, ये देखो कुत्ते दिखते रहेंगे काफी। तो इधर आपको दिख रहा है ये एरिया, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक्चुअली इधर अभी पॉन्ड बना रहे हैं तो उससे जो गार्डन की खूबसूरती है वो और भी बढ़ जाएगी। अभी ये जो पाथ में मैं चला रहा हूँ साइकिल, ये डेडिकेटेड पाथ है, यहाँ खाली आप या तो जॉगिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं या तो साइकिल चला सकते हैं, गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। देखो साइन भी रहता है। थैंक यू। वो लोग साइड ही नहीं हट रहे थे, हनुमान ऐसे देखने नहीं मिलता, सब लोग साइड हो जाते हैं। और एक्चुअली मैं ना बैल, साइकिल की बैल ये सब बजाना सही नहीं लगता क्योंकि कोई नहीं बजाता। यही रास्ते से डबलिन भी जा सकते हैं सीधा, ये आगे जाओगे तो सीधा डबलिन सिटी सेंटर पहुंच जाता है। और ये साइकिल से ही मैं गया हूँ वो आधा घंटा लग जाता है सिटी सेंटर पहुंचने में। और वही चीज़ अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जाओगे तो 40-45 मिनट लगते हैं। मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है तब मैं बता रहा हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कुत्ता है। तो आइलैंड के बारे में मैं आपको 5 से 6 नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा ये व्लॉग में, और सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इधर बैठ के बताता हूँ मैं आपको पॉइंट्स। तो देखिए पहुँच गया अपनी जगह में, अभी पानी गंदा आ रहा है क्योंकि बारिश की वजह से, वरना वाइट दिखता है। तो बात करेंगे पहले नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है आइलैंड यूरोप में आता है और यूरोप जो है वो काफ़ी महंगा है, और आयरलैंड उसमें से सबसे महंगी कंट्री में से एक में आती है। स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, ये सारी महंगी कंट्री है। तो इधर हर एक चीज़ महंगी हो जाती है, खाने पीने से लेके, उसके अलावा आपका जो मोबाइल डेटा रेट्स हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं। मैं 15 यूरो देता हूँ, उसमें से मुझे 15 GB डेटा मिलता है। तो लगा लीजिए इंडिया में 300-250 रुपये में आपको अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगती है, हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। आप उसके अलावा आप शूज़ ले लो, कपड़े ले लो, महंगे आते हैं। कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिधर सस्ते मिलते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, जैसे कि पेनिस हो गया। ज़्यादातर जो इंडियंस होते हैं वो प्रिफर करते हैं कि इंडिया से ही सामान लेके आए क्योंकि यहाँ बहुत महंगा मिलता है। तो मैं आपको भी यही कहूँगा, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो अच्छे से रिसर्च करके आप अपना सामान लेके आइए, यहाँ लगभग आपको हर एक चीज़ महंगी मिलेगी। उधर वाटरफॉल की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी तो मैं सोचा आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे आइलैंड की दूसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में, जो कि है हाउसिंग क्राइसिस। ठीक है, तो काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने हालांकि पहले भी व्लॉग्स में बताया है, काफ़ी लोगों को मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सीरियस चीज़ है ये। और जब से यूक्रेन की वॉर हुई है तो और भी ज़्यादा सीरियस हो गया है क्योंकि इधर जो है ना हाउसिंग क्राइसिस चालू है। तो जो भी चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इधर इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई मुझे घर नहीं मिल रहा, दिला दो, कुछ है पहचान। यार सच में मेरी पहचान नहीं है वरना मैं हेल्प कर लेता, लेकिन जितनी हो सके मैं हेल्प करता हूँ। जैसे ग्रुप्स हैं इंडियंस इन डबलिन और काफ़ी वगैरह ग्रुप्स हैं, उधर ज्वाइन करने बोलता हूँ।
अभी हाउसिंग क्राइसिस काफ़ी सीरियस हो गई है और लोगों को घर नहीं मिल रहे। तो मेरा ही एक दोस्त है पंजाब से, उसे घर मिला ही नहीं, तो उसने हॉस्टल बुक किया एक हफ्ते के लिए, फिर जाके उसे इधर आके घर मिला। तो ये काफ़ी सीरियस इशू है। तो अगर आप आयरलैंड आ रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप 3-4 महीने से ही पहले घर बुक कर लो। और यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, देखो इधर की गवर्नमेंट वीज़ा तो दे रही है, स्टूडेंट वीज़ा काफ़ी भर भर के दे रही है, लेकिन उनको पता है जब हाउसिंग क्राइसिस है। इधर बैठता हूँ मैं, उधर काफ़ी आवाज़ आ रही थी, यहाँ मैं आता हूँ जॉगिंग करने के लिए कभी कभी। ओके, साइकिल को इधर लेटा दी मैंने, अभी इधर आवाज़ थोड़ी कम है। तो मैं यही बता रहा था कि यार प्रैक्टिकल लेवल पे ना, ज़मीनी स्तर पर मुझे कोई स्टेप्स नहीं दिख रहे अब तक गवर्नमेंट ने कुछ लिए, बस लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम की मेन वजह है ना, वो है यूक्रेन क्राइसिस। काफ़ी लोग जो है वो आयरलैंड में इमिग्रेट हो गए हैं यूक्रेन से वॉर के दौरान, और अभी घर उतने हैं नहीं फ़िलहाल, और बाकी जो भी घर है काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे हैं मुंह बोले दाम में। कोई कोई 850 यूरो ले रहा है एक रूम का। तो ये एक्चुअली में इतना नहीं होता है, लेकिन अभी कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो जो हाउसिंग क्राइसिस है ना, इसको आप सीरियसली लें, और डिसीजन लेने के टाइम में ये पॉइंट भी ध्यान रखें कि इधर जो घर है वो रेंट में नहीं मिल रहा है आपको। तो मैंने जैसे कि बताया 6-7 पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा जो लास्ट का पॉइंट है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो आपको देखना ही है। और वो अनुमान काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इधर आके चीज़ें पता चलती है। तो अब तीसरा जो पॉइंट है बैड वेदर है, ये काफ़ी सारे व्लॉग में मैंने बताया है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करूँगा। इधर कम से कम 9 महीने जो है क्लाउडी सीज़न होता है, बारिश होती है, लेकिन बारिश एकदम ज़ोर से नहीं होती, हल्की हल्की होती रहती है, ज़्यादातर कभी कभी ज़ोर से होती है, लेकिन 9 महीने जो है वो एकदम क्लाउडी वेदर दिखेगा आपको, बस 3-4 महीने धूप आती है, ये एक चीज़ है। ठीक है, तो ये रहा अपना तीसरा नेगेटिव पॉइंट। तो अब आ जाता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेडिकल फैसिलिटी का। इंडिया में यही इम्प्रेशन होता है कि यार बाहर मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन हालांकि अच्छी है, लेकिन बात ये है ना, जो ऑपरेशन का तरीका है, जो मेडिकल फैसिलिटी ऑपरेट होती है यहाँ पे, वो बहुत स्लो है ना। तो मैं आपको बात बताऊँगा, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, पहली चीज़ तो बहुत टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, और अपॉइंटमेंट मिलता भी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक अपॉइंटमेंट के लिए 60-100 यूरो लग जाता है खाली कंसल्टेशन का, दवाइयाँ अलग, और फ़ोन में कंसल्टेशन करोगे तो उसके चार्जेस अलग 40 यूरो, और आप नेक्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो उसके कंसल्टेशन अलग। जैसे कि इंडिया में एक बार आप कंसल्टेशन चार्ज 1000 रुपये दे दो MD को, तो दोबारा जब वो वही चीज़ के लिए बुलाएगा अपडेट के लिए, तो आपसे कंसल्टेशन चार्ज नहीं लेगा, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनको कुछ ऐसी इंडियन बीमारियां डिजीजेस हैं उनके बारे में आइडिया नहीं होता, वो यहाँ के प्रोसीजर के हिसाब से आपको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। चीज़ ऐसी हो जाती, कुछ डिजीजेज़ ऐसे हैं जो यहाँ के डॉक्टर्स को नहीं पता होती, इंडिया में खासकर वो डिजीजेज़ होती हैं, जैसे पानी से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, डायरिया हो गया, और अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं इंडियंस को। तो अब मैं एक एग्ज़ाम्पल अभी का दूंगा, लेटेस्ट मेरा जो टीथ का एक मेटल क्राउन है वो निकल गया था, अब मुझे वो फिक्स कराना था। ठीक है, अब वो फिक्स कराने के लिए मेरे से चार्जेस जो ले रहे थे वो था 150 यूरो खाली चिपकाने के, यहाँ ऑलरेडी सब कुछ सही है, बस वो क्राउन निकल गया, उसे चिपकाना था, उसके 150 यूरो ले रहे थे, यानी कि 15,000 के आसपास आप लगा लो इंडिया के, और इंडिया में ये जो क्राउन फिक्स है 1000 रुपये में हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, 15-20 टाइम्स इधर एक्सपेंसिव है, डेंटिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा लूटते हैं इधर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि इधर मेडिकल फैसिलिटी एक तो काफ़ी स्लो है, और दूसरी काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब करेंगे बात रेसिज्म की। काफ़ी लोग बोलते हैं यार रेसिज्म है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने गौर की थी पार्ट टाइम जॉब के दौरान। तो यहाँ का जो मेरा मैनेजर था उसका माइंडसेट ऐसा था कि इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो वो नेचुरली
हम लोग से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे जो भी इंडियंस रहते थे काम करने में कंपेयर टू यहाँ के लोग और अदर फॉरनर्स। तो ये एक चीज़ हो जाती है, इसे रेसिज्म तो आप नहीं कहेंगे लेकिन हल्की सी इनइक्वालिटी हो गई कि आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, आप ज़्यादा हार्ड वर्क करो, वैसा इनडायरेक्टली हो जाता है और डायरेक्टली ऐसा कोई चीज़ें नहीं होती है, लेकिन एक ये चीज़ मैंने गौर की। लेकिन रेसिज्म जो है वो नहीं है, ना के बराबर है। इक्का दुक्का जो है केसेस ऐसे यूट्यूब में मुझे दिखाई देते हैं, रियल लाइफ में मुझे अब तक नहीं दिखाई दिया। अब बात करेंगे यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना यहाँ का काफ़ी स्लो है और घूम घूम के जाता है, मतलब ऐसे डेडिकेटेड पाथ नहीं है। अब मुझे फिनिक्स पार्क जाना है तो मुझे सिटी सेंटर जाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी बस लेनी पड़ेगी। मुझे लुकन जाना है जो कि दूसरे पार्ट में आ जाता है डबलिन के, सिटी सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ से दूसरी बस लेनी पड़ेगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छा है लेकिन स्लो है, थोड़ा टाइम काफ़ी लग जाता है। तो इधर इसके लिए इधर खुद का ट्रांसपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रहे थे भाई साइकिल लेना वर्थ है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक साइकिल अगर आपका बजट अच्छा हो तो इलेक्ट्रिक साइकिल ले लो, फिर आप अच्छे खासे डिस्टेंस भी कवर कर लोगे। अगर बजट कम है तो डिकैथलॉन जाओ, वहाँ से आपको 200 यूरो में मिनिमम साइकिल मिल जाएगी। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सोचोगे आप आयरलैंड जा रहे हो तो आसानी से पूरा यूरोप आप घूम लोगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली में क्या है, जो आयरलैंड है वो शेंगेन का पार्ट में नहीं आता है, और फिर वही है इधर वीज़ा की काफ़ी मारामारी है और इधर अपॉइंटमेंट्स जो है, मैं बोला ना काफ़ी स्लो प्रोसीजर है, एक दो महीने लग जाते हैं आपको, 2-3 महीने लग जाएंगे उससे भी ज़्यादा वीज़ा लेने के लिए शेंगेन का। तो अभी मैं प्लान कर रहा था शेंगेन कंट्री घूमने का लेकिन अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, एक एक महीने के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। हालाँकि अगर आप पढ़ाई करने शेंगेन कंट्री में जाएँ, कोई भी शेंगेन कंट्री में, तो आपको फिर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी शेंगेन कंट्री में घूमने के लिए, लेकिन आयरलैंड से आप नहीं जा सकते। ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। तो अभी मुझे दो पॉइंट और याद आ गए। पहला है टैक्स, इधर का टैक्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर पार्ट टाइम में भी आपको, अगर आप 200 यूरो से ऊपर कमा रहे हो 300 या 400, तो आपके 10-20 यूरो टैक्स में चले जाते हैं। फुल टाइम अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी इनकम जो है वो 60,000 यूरो के आसपास है, तो आपको हाथ में मिलेंगे कुछ 40,000 से 45,000 रुपये, या हो सकता है थोड़ा उससे भी कम, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही है, टैक्स काफ़ी है इधर। और फाइनली इधर इंडियन कम है कंपेयर टू यूके या अदर कंट्रीज, इसलिए इधर इंडियन जो खाना है वो एक तो पहला बहुत एक्सपेंसिव है और दूसरा कम है कंपेयर टू यूके, खासकर यूके में आपको इजीली मिल जाता है इंडियन स्वीट्स खाना, वो इधर आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लॉग से आपको कुछ फ़ायदा होगा डिसीजन लेने में, आप एक अपना मन बना लेंगे कि आपको आइलैंड आना है या नहीं आना है। ब्लॉग को ख़त्म करते करते मैं पहुँच चुका हूँ मेरे एरिया में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ब्लॉग है काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एक मन बनाने में कि आपको आयरलैंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और अगर आपका कोई दोस्त हो जो बाहर आने के सपने बुन रहा हो तो उससे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।